रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी ही उद्योजक ने बिजनेसमैन ने करना चाहिए, वही आपको आगे बढ़ाएंगी और बहुत पैसा कमा के देगी। तो आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त महाराष्ट्र में कोलहापुर में प्रैक्टिस करता हूँ। काफी सारे बिजनेसमैन मेरे आते हैं, डिप्रेशन है, धंधा चलता नहीं है, धंधे में समय नहीं मिलता है धंधा करने के लिए, फिर घर भी संभालना पड़ता है। तो लोग क्या बोलते हैं कि मेरा धंधा बहुत बड़ा होगा, मेरा धंधा बहुत चलेगा ना, तो फिर मैं लोगों को रखूंगा, मैं टीम लाऊंगा, फिर घर में काम करने वाला कोई व्यक्ति रखूंगा, फिर ड्राइवर रखूंगा, और फिर मैं वो अफोर्ड कर सकता हूँ तो फिर अच्छा हो जाएगा। मैं ये बोलता हूँ कि ऐसा नहीं चलता है। यदि आपको पैसा कमाना है तो जो नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है, और इसका मतलब ये है कि नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी मतलब वो कृति, वो एक्शन रोज की कि जो आपको पैसा कमा के देती नहीं है वो नहीं करने की। फॉर एग्जाम्पल, अभी ड्राइविंग करना ये पैसा देती नहीं है, सब्जी लाना पैसा नहीं कमा के देती मेरे को, ट्यूशन लेना बच्चों की, बच्चों को स्कूल में पहुंचा देना, फिर घर का कामकाज करना, जो भी एक्टिविटी है समझो, नौकरों को मुझे पगार देने का है, तनख्वाह देने की है, बैंक में पैसा डालने का है, बैंक से पैसा निकालने का है, कोई प्लम्बर को फोन करके उसको लाना है क्योंकि नल गल रहा है, या इलेक्ट्रिसिटी गई है इलेक्ट्रिशियन को फोन करने का है, ऐसे काफी सारी बातें रहती है अकाउंट्स है कि जो मुझे रेवेन्यू कमा के नहीं देती, पैसा कमा के नहीं देती। काफी सारे लोग ऐसे है कि जो बिजनेसमैन है और सवेरे हमको टाइम मिलता ही नहीं है, क्यों? फिर सुबह उठने के बाद में बच्चों की पढ़ाई लेनी पड़ती है, फिर बच्चों को स्कूल में लेके जाना पड़ता है, फिर बच्चों को लेके आना पड़ता है, मतलब क्या लगा है, धंधा कर रहे कि मजाक कर रहे? यदि आपको सक्सेसफुल धंधे में होना है तो आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, धंधे में पूरा पूरी ताकत डालनी पड़ेगी, धंधे में समय देना पड़ेगा, टीम बढ़ानी पड़ेगी। नहीं नहीं, लोग बोलते हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते, ड्राइवर अपनी गाड़ी बिगड़ गई खुद लेके जाएंगे गैरेज में, पेट्रोल खुद भरवाएंगे, दुरुस्त खुद करवाएंगे, तो क्या लगा है? नहीं, हमको अफोर्ड नहीं कर पाते, लोग बोलते हैं अफोर्ड नहीं कर पाते, शेम ऑन यू, अफोर्ड नहीं कर पाते कोई प्रॉब्लम नहीं है, अफोर्ड वो लोग रखो, वो लोग आपको पैसा कमा के देंगे और वो फिर आप अफोर्ड कर सके। तो बोलते पैसा कमाने के बाद में मैं लोग लाऊंगा, मैं बोला लोग लाओ बाद में पैसा आएगा। तो आपका टाइम सिर्फ जहां पैसा मिलता है वहां करना, जैसे मैं डॉक्टर हूं, मैंने बच्चों को क्यों पढ़ाना चाहिए, मैंने सब्जी लाने के लिए बाजार में खुद क्यों जाना चाहिए, मैंने मेरी गाड़ी रिपेयर करने के लिए गैरेज में क्यों लेके जाना चाहिए, उसके लिए मेरे पास में आदमी रखे, मैंने तो हो जाएगा, मैंने टिकट निकालना है रेलवे का, ट्रेन का टिकट निकालना है, बस का टिकट निकालने का, जो भी है, क्योंकि मेरा जो है कोर कॉम्पिटेंसी वो है पेशेंट तपासना, वहां से मुझे पैसा मिलता है, मैं पेशेंट के लिए खड़ा रहूंगा तो वो मेरे को पैसा देता है, बच्चों को पढ़ाने से मुझे पैसा नहीं मिलता है, बच्चों को पढ़ाने में मेरा टाइम जाता है। लोग बोलते हैं हाँ नहीं नहीं बच्चों के साथ में रहना चाहिए, मतलब बिल्कुल बच्चों के साथ में रहो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो उसके लिए अलग टाइम निकालो, बच्चों के साथ में टाइम निकालो, बच्चों को उनको घुमाने के लिए जाओ, उनके साथ में रहो, खेलो कूदो, जो भी करना हो करो, बच्चों को पढ़ाओ मत, उसके लिए अच्छा टीचर रखो, क्योंकि आप टीचर नहीं आप बिजनेसमैन है। तो यहाँ पे भी करते हैं कि जो भी कुछ आप कर रहे हैं जिससे पैसा नहीं मिलता है, मतलब उसको कहते हैं नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी, जो एक्टिविटी से पैसा नहीं मिलता है वो कामकाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जो एक्टिव से पैसा मिलता है वो काम करना चाहिए। तो यदि आप करेंगे तो आपका समय बहुत बच जाएगा, समय बचेगा तो आप नई टीम खड़ी कर सकोगे, टीम को ट्रेनिंग दे सकोगे, नई नई आइडिया ला सकोगे। बिजनेसमैन फॉर एग्जांपल गल्ले पे बैठता है, पैसे जमा करता है, पैसा खर्च करेगा, चेक बैंक में डालेगा, चेक डालने के लिए जाएगा, चेक निकालने के लिए जाएगा, वहां जब तक गल्ले पे जब तक बैठा हुआ है, जब तक खुद काम कर रहा है बिजनेस में भी, तो बिजनेस बढ़ नहीं सकता है। तो खुद के पर्सनल काम आदमी रखो, बिजनेस में सब काम के लिए आदमी रखो, ताकि आप फ्री हो, और आप यदि फ्री रहेंगे आप सोच सकेंगे, विचार कर सकेंगे, प्लान कर सकेंगे, स्ट्रेटेजी नहीं लाएंगे, नया बिजनेस चालू करने की सोचेंगे, एक्सपांशन की सोचेंगे, ग्रोथ कैसा होता है वो सोचेंगे, और वहां से आपको सफलता मिलेगी, बहुत पैसा आएगा। तो ये वीडियो आप सभी आपके जो बिजनेस दोस्त हैं उनको रेफर करो, उनको शेयर करो, आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।